नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह 10 मोस्ट करंट अफेयर के प्रश्न आप लोग के सामने हैं, और शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीडीओ एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा और बीडीओ एग्जाम ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा और बीडीओ के लिए ही करंट है। करंट कभी किसी एक परीक्षा के लिए नहीं होता है, करंट तो सभी परीक्षाओं के लिए होता है। हर वनडे एग्जाम के लिए करंट महत्वपूर्ण है। तो मान कर चलिए कि आगामी 6 महीने तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है हमारा यह करंट का सीरीज। तो यह 10 मोस्ट करंट अफेयर के प्रश्न आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा, एक दो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो भी शेयर करने का माध्यम होगा आपके पास, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, आप शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। आइए देखते हैं 10 मोस्ट करंट अफेयर के प्रश्न कौन से हैं। हाल ही में खोए हुए बच्चों का पता लगाने हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। खोए हुए बच्चों का पता लगाने हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रियूनाइट। रियूनाइट एक मोबाइल ऐप है जो खोए हुए बच्चों का पता लगाएगा। रियूनाइट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मान कर चलिए यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं जितना भी प्रश्न देता हूँ महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी परीक्षा तक इसे फॉलो कर लेते हैं तो मान के चलिए कि जितने भी करंट के प्रश्न आएंगे उसमें 80% हमारे वीडियो से होंगे आपको, और आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। दूसरे प्रश्न पे आइए। हाल ही में 29 जून 2018 को भारत भर में कौन सा सांख्यिकी दिवस मनाया गया? 29 जून 2018 को भारत भर में कौन सा सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो यह 12वां सांख्यिकी दिवस था जो 29 जून 2018 को मनाया गया। 12वां सांख्यिकी दिवस मतलब 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को, तो 29 जून 2018 को जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया यह 12वां सांख्यिकी दिवस था। अगले प्रश्न पे आइए। किस देश ने हाल ही में पोलियो प्रकोप के कारण आपातकाल घोषित किया? आपातकाल घोषित किया है पापुआ न्यूगिनी। पापुआ न्यूगिनी पोलियो प्रकोप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है पापुआ न्यूगिनी में। पापुआ न्यूगिनी एक देश है पापुआ न्यूगिनी, वो मतलब हिंद महासागर में है, छोटा सा देश। उस देश में पोलियो प्रकोप फैल गया जिसके कारण आपातकाल लागू किया गया। हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक किसे महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया है? हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक किसे महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया? तो भारत को, इंडिया को सबसे खतरनाक देश बताया गया है। महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया है इंडिया को। ये बहुत ही सोचने वाली बात है हमारे देश के लिए कि यहाँ जहाँ महिलाओं की सुरक्षा होती थी आज वहाँ महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया जा रहा है इंडिया। तो आइए अगले प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 26 जून को। 26 जून को, 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से देख लिया करें। हाल ही में कौन भारत के पहले और दुनिया के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में कौन भारत के पहले और दुनिया के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? उनका नाम है आर प्रगनानंदा। आर प्रगनानंदा को भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, आर प्रगनानंदा। आर प्रगनानंदा, तो ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु सूर्य शक्ति योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने किसानों हेतु सूर्य शक्ति योजना शुरू की है? वह राज्य है गुजरात। गुजरात की सरकार ने किसानों अपने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना शुरू की गई है। गुजरात की सरकार ने हाल ही में किसे SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? SBI का जो नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है वो अरिजीत बसु को बनाया गया है। SBI का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है अरिजीत बसु को। अरिजीत बसु को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अरिजीत बसु को SBI का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके पहले रजनीश थे, रजनीश पूरा नाम का नहीं पता है लेकिन रजनीश कुमार, शायद रजनीश कुमार थे SBI के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। इस समय जो है SBI के प्रबंध निदेशक हैं अरिजीत बसु। कौन व्यक्ति हाल ही में दूसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में दूसरी बार सेकंड चांस तुर्की के नए राष्ट्रपति बने हैं? उनका नाम है तैयब एदोरगोन। तैयब एदोरगोन को तुर्की का राष्ट्रपति बनाया गया है और ऐसा दूसरी बार हुआ है। दूसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं तैयब एदोरगोन। तो यह 10 मोस्ट करंट अफेयर प्रश्न आप लोग देख लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। आप अच्छे से देख लें और ये आपकी सफलता में लाभदायक साबित होंगे। ये 10 करंट अफेयर के प्रश्न हैं, आप अच्छे से देख लें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर दें, बिल्कुल लाइक कर दें, एक दो ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद।